हेलो तो गाइस आज हम लेके आए हैं फिर से एक और मजेदार सा वीडियो, क्योंकि ये है सलोनी अश्लील पिया। अश्लील अश्लील है ये, अश्लील है ये। अभी तक द बॉयज के रोल देख रही थी, बॉयज कितने अच्छे अच्छे मीम्स थे ना, जैसे ही द गर्ल्स पे आके सीधे अश्लील। हाँ, ऐसा कौन सा होता है इसने वे? बोला है, मैं नहीं कह रही अच्छा, हूं। ऐसा इसने बोलाएगा? हाँ ओके, तो ये है सलोनी आप्पा। सलोनी आप्पा का दया द फीमेल दीज रील्स फीमेल रीलर्स आर आर अश्लील। अश्लील। अब देखो इसमें क्या बताया जाता तो है, आप क्या मतलब, इंस्टाग्राम का हाँ मतलब रीलर्स के बारे में बात करते तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब इसमें कौन कौन सी मेन मेन तो अदाकाराएं आ सकती हैं, आप सब जानते हैं। पर एंटरटेनमेंट तो आप करते ही हैं, सब लोग मिलते हैं, हम लोग हमारे साथ ही मिलेगा। अगर चैनल बनाया तो डू सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलना, दोस्तों को जरूर भेजना, प्लीज भेजना, मजा आएगा देखना। बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो, बच्चे आंख बंद कर। सच में आगे बन गया। हाँ, तुमने बोला और बच्चों ने आंखें बंद कर ली, ठीक है? झूठ बोल रहा है। लेकिन तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? नहीं, पहले वीडियो में तो खुला था। भैया देखो, फटती तो सबकी है कि अगर बापू ने देख लिया ना तो सच्ची हानिकारक हो जाएगा। पिताजी केंद्र विद्यालय भेज रहे और बिटिया घर आके केवाड़ी बंद करके मुंडी लगा ले। शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं इस महिला के वीडियोस जो कि इंस्टाग्राम की उभरती हुई सूफिया अंसारी, नाम है लकी रेजर, हुआ है उसके इंस्टाग्राम से। चलो वीडियो शुरू करें। चलो, मेरे को ये नहीं समझ आता है कि अनलकी का स्पेलिंग गलत लिखा है लड़की या फिर रेजर्स का। डांस तो कर लो, डांस तो कर लो। ये क्या था मत पूछना, क्योंकि आजकल इसको ही म्यूजिक वीडियोस और सोशल मीडिया पे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। साला सबको मन करता है, लड़के लड़कियां दोनों दोनों को मन करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सुंदर दिखने का, और वो उस हिसाब से ड्रेसअप करते हैं। पर ये जो आइडियोलॉजी है ना, जो कि उर्फी जावेद, सोफिया अंसारी और इनके टाइप की लड़कियों ने सेट किया है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे, कम कपड़े पहनना ही मॉडर्नाइजेशन है और कम कपड़े पहनने से ही इस संसार के सारे दुविधाओं का निवारण, और बस यही एक तरीका है फेमस होने का। और सिर्फ यही लोग नहीं है यार, इंस्टाग्राम पे इनको देख के या पता नहीं क्या सोच के लड़कियों को आजकल लग रहा है कि यही करना सही है, ये गलत है। इस लड़की के प्रोफाइल पे सारे वीडियोस ऐसे हैं विच क्रेव्स फॉर अटेंशन। केवी के लड़के इसके वीडियोस देखने के बाद सोच रहे की साला इसकी माँ का हिरोशिमा नागासाकी, साला मैं ही गलत केवी में था क्या? भाई इस लड़की ने स्टोरी डाला था थोड़े दिन रुक जा, स्कूल यूनिफॉर्म में दोबारा आएगी, एकदम बढ़िया वाली वीडियो। अभी मेरे एग्जाम्स हैं इस वजह से स्कूल नहीं लेकर आएगे रे बीच में। स्कूल यूनिफॉर्म में दोबारा आएगी एकदम बढ़िया वाली वीडियो, और इसको ये फनी लग रहा है। मतलब वो ऐसे वीडियोस डाल के सच में खुश हो रही है। अब बताओ, स्कूल की लड़की है ये, पता नहीं क्या। एक्चुअली भाई करियर ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये तुम भाई पढ़ाई तो पूरी कर लो पहले, कर तो लो कुछ तो करो। स्कूल जाना बंद कर दो भाई, क्या मतलब है जब तुमको नहीं करना है स्कूल में, भाई यही करना है तो स्कूल जाना बंद कर दो। मुझे नहीं पता यार क्या हो रहा है, कैसे चाहती हूँ। पर यार आजकल सच में ये इतना हो गया है ना कि आप ऐसे कपड़े पहनो, आप ऐसे रहो, ये आई डोंट नो भर गया है इनके दिमाग में, किसने भरा है ये सब, इनको ये सब अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है। अपनी ऑडियंस को प्रॉमिस करी कह रहे चिंता मत करो, सप्लाई करते हैं ना एग्जाम के बाद। ये जिस भी ऑडियंस को तुम ये सप्लाई करने का सोच रही हो वो कैसी ऑडियंस है मैं बता रही हूँ, जो लोग तुम्हारे वीडियोस बराबर देखेंगे लेकिन तुमको इज्जत की नजर से बिल्कुल नहीं देखेंगे। वीडियो का एक कमेंट देखो तुम, मौत आ जाए लेकिन तेरी जैसी लड़की पे दिल ना आए। ये बंदा उसकी वीडियो भी देख रहा है, ये बंदा उसके वीडियो पे कमेंट भी कर रहा है, लेकिन इसको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। एंड दैट्स द, तुम लोग को चाहे ये चीज कितना भी कूल लगे कि ये सब करके तुम ऑडियंस गेन कर रहे हो, लेकिन रिस्पेक्ट, पता है हमें से 99% लोगों को ऐसा लगता है एक एज के बाद कि हमारे मम्मी पापा ने जो बोला था वो सच था, इसलिए क्योंकि वो लोग इन सब चीजों से निकल चुके हैं, दे हैव बीन देयर, दे हैव फेस्ड द कॉन्सिक्वेंसेस एंड दे नो हाउ टू रिएक्ट, और वो लोग वो सेम चीज आपको सही उम्र पे सिखाते लेकिन आपको वो समझ में नहीं आता। आपको ये सारी चीजें डेटिंग शेटिंग स्मोकिंग एल्कोहल ये सब करना आपको कूल लगता है सोशल मीडिया पे, और फिर बाद में एक टाइम के बाद उनकी बात ही सच लगती है, क्यों? क्योंकि दे आर राइट। और अगर ये सेम चीज कोई बाहर वाला बोल दे तो मिर्ची तो लग ही जाती है, लगेगी, लेकिन सही उम्र पे सुन लोगे तो पछताओगे नहीं। वो पहले कभी मुड़के भी नहीं देखती थी मुझे, और अब बार बार कहती है।
ऐसी बहू है ना, हर स्वाइप पे मिल रही है, माँ से बकचोदी नहीं, ये देख। कैरेक्टर ढीला ही है, ऐसा करूं तो साला क्या सही गाना गा रही है, अपने ऊपर ही गाना गा रही है, बिल्कुल सही सैड। नहीं नहीं मैम, क्या उर्फी मैम कुछ सिखाओ यार, आपका कैरेक्टर कैसे ढीला हुआ? ये सब करने से तो समाज विकसित हो रहा है। कैरेक्टर तो उन लोग का ढीला हुआ जिनको ये सब गलत लगता है। आप प्रदर्शन जारी रखें। मोहतरमा का नाम है बृष्टि समद्दर, बंगाली हुआ है इसके भी इंस्टाग्राम से। मुझे भी ये लगता है, मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं आप ऐसा पहना करो ऐसा करो, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जिसमें कंफर्ट नहीं हूँ मैं नहीं पहनूंगी। तो भाई वो कंफर्ट होगी वो दिखाने में जो भी मतलब सीन हो, पर ये वीडियो अच्छा है। हाँ ये वीडियो अच्छा है, फेमिनिस्टों का एंथम है जिससे हमें अवगत नहीं है। नवरात्रों पर कई लोग व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, पर आपके मन और आपकी आत्मा का क्या? लोगों की मस्त मीम बनाते तुम मकसूद भाई। गाइस ये है निधि जी, एक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु शास्त्र के रिलेटेड ये वीडियोस बनाती हैं अपने इंस्टाग्राम। लोग इनकी वीडियो पहले देखते हैं और इनकी बातें बाद में सुनते हैं। सोने की सही डायरेक्शन के बारे में कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस डायरेक्शन में सोना ऑस्पिशियस है, तो देखिए अच्छा। आप साउथ डायरेक्शन में सो सकते हैं गाइस। हटना प्लीज। अभी क्या? अरे निधि जी से एक सवाल करने का है। आजा निधि जी, मैं क्या बोल रहा था, अपने मन पसंद की औरत के साथ सोने के लिए सर किधर करके सोने का? निधि जी आप रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, ये आपके नेम फेम के, ये आपकी जॉब। आप करियर ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा रहता है। निधि जी यू आर हॉटर देन द सन, तो आप पे जल चढ़ा सकते हैं क्या? लग रही है जिंदगी इस कदर सिंगल है .. कि बैचलर टिंचक पूजा भी हॉट लगने लगी है। जिंदगी किस कदर सिंगल है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन तुम किस कदर ठरकी हो ये मैं जरूर बता सकती हूँ। क्या हो गए हैं आजकल के लड़कों को, ये लोग सिर्फ सुंदरता देख के हॉटनेस रेट कर रहे हैं। दिस इज बिजनेस। एनीवे दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, अगर आपको ओके मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, बहुत ही खतरनाक। चलो पहले वीडियो के बारे में बात दूसरी करेंगे, पहले मैं इनकी वीडियो के बारे में बात कर लूँ। एडिटिंग थोड़ी सी दिक्कत आती है इनके, इसमें आवाज़ पहले आती है फिर फेस आता है, तो वो वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है। हाँ, तो वो क्या एकदम से सुनते सुनते एकदम से ऐसा होता है, झटका लगता है। बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छा, मतलब कंटेंट काफी सही था, जो जिस हिसाब से तरीके से रोस्ट किया है वो सही तरीका है, रोस्ट करने का तरीका तो सही, क्योंकि ना गाली अपन देते नहीं, ये सब तो सही है, और जो कंटेंट दिखाया वो भी सही है। थोड़ा सा मैडम आप एडिटिंग थोड़ा ठीक कर लो प्लीज, अच्छा लगेगा हमको भी, अच्छा लगेगा सुनने देखने में, अच्छा लगता है ना यार। ठीक है चलो अब बात करते हैं कंटेंट के बारे में। तो सही में यार मतलब जो लोग ये सोचता है कि इससे फेमस हो जाएगा तो ये तो सिर्फ फॉलोअर्स मिलेंगे, बाकी कुछ फेमस नहीं, तो कुछ नहीं हो पाएंगे, मतलब फेमस तो आपको आपकी कंटेंट क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा कैसे यार, मतलब आप वही सही बात उसने जो एक बात कही थी ना कि मतलब आप फेमस तो हो जाओगे पर आप मतलब उस लड़के किसी भी नजर में आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, आपकी इज्जत हमेशा डाउन ही रहेगी, तो वो है मतलब आपको अलग ही नजर से देखा जाएगा हमेशा ही। अब जैसे उर्फी का ही ले लो, उर्फी जावेद को ही ले लो, सब लोग कितना सेक्सी सेक्सी सेलिब्रिटी एंड ऑल, पर फिर भी आप सेलिब्रिटी की वैल्यू नहीं देते हो। हाँ, हाँ, है ना? अब उसको बोलोगे तो आप बोलो चाहोगे कि भाई किस कौन सी ये पूछा था ना कि कहाँ सोना चाहिए और कैसा सोना चाहिए,
उसी टाइप से होगा, मतलब आप गलत ही समझोगे, गलत ही वे में उसको लेके जाओगे। देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट्स पहनो बिकनी पहनो, पर है हर एक चीज का अपना एक वैल्यू होता है। जैसे अगर कहीं कुछ उस लोकेलिटी में वो चीजें चलती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ वहाँ वो चलता है। ठीक है, हमारे यहाँ हम लोग का एक रहता है ना कि एक साड़ी में भी खुद को कवर करके रखती है औरतें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं हमारे ऐसा नहीं है कि साड़ी में भी मतलब बस खुला है सब ऐसा। आजकल फैशन आजकल वैसा नहीं है, अभी वो दिखाया जैसे मैं भी वन पीस पहनती हूँ, है ना, मैं भी वन पीस पहनती हूँ, मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है शॉर्ट्स पहनना, पर मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे नहीं लगता किसी और के लिए मैं कर रही हूँ। जब भी मैं तैयार होती हूँ मैं खुद के लिए होती हूँ। आप देखते हो कि मेरे वीडियोस में भी प्रैंक्स में भी मैं उतने ही कपड़े पहनती हूँ जितने मुझे कम्फर्ट है। सही बात है, सही बात है। तो यार मतलब ज्यादा मत करो यार सोशल मीडिया का, यूज करते हो ठीक है, पर उसको आप मिस यूज करके कुछ समझ रहे हो आप जो आपने नाम कमाना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक सो इज गुड। जो ऑडियंस है उसके हिसाब से ही लोग काम कर रहे हैं तो ठीक है, बट हाँ बस ऐसा ना हो कि आपका भविष्य उसके बाद ऐसा हो जाए कि हम आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस टाइप के वीडियो देखते हैं कि जहाँ बच्चे इस टाइप के रील्स वगैरह इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनका आगे कोई करियर का पता ही नहीं है। तो आगे नहीं, आगे नियर फ्यूचर में क्या होना है, क्या 30 40 साल बाद उनके लाइफ में क्या होगा, जब इंस्टाग्राम इनके बैन हो गया तब क्या होगा, टिकटॉक की तरह या कुछ हो गया तो पता नहीं। तो चलिए गाइस यहां तक रिएक्शन समाप्त। आपके जो भी ओपिनियंस हैं प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और सरोनी आपका और वीडियो देखना होगा तो प्लीज हमें कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।